स्वागत है आपका सिविल डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहां हम रोज की तरीके से आज भी आपके लिए करंट अफेयर्स और जीके जीएस के क्वेश्चन को लेके मैं आया हूं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो एग्ज़ाम आपका 3 सितंबर को है, वहां अगर आप चाहते हैं कि सारे के सारे या मैक्सिमम क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आप सही करके आएँ, तो सिविल डिफेंस एकेडमी पे जो अपलोडेड वीडियो है करंट अफेयर्स की, वो सारी की सारी आप 5-5 मिनट की वीडियोस देख लीजिए, जहां से करंट अफेयर्स तो आपका सही होगा ही होगा, साथ में जीके जीएस भी आपका क्या हो जाएगा, रिवाइज और स्ट्रांग हो जाएगा। तो इस बात को आप फॉलो करिए, वीडियोस देखिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं जो आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टू गेट कंट्रीज फर्स्ट सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल। तो देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट जो है उसके बारे में पूछ रहा है। तो कहाँ इस्टेब्लिश किया गया है, तो ये आपके गुजरात। तो गुजरात एक ऐसा राज्य है, इस तरीके से अगर हम यहाँ पे मैप ड्रॉ कर देते हैं तो ये आपका इस तरीके से त्रिपुरा गुजरात रीजन, इस तरीके से यहाँ पे नर्मदा और ताप्ती भी गुजरात में मुहाना बनाती हैं, तो वहीं पे इसको इस्टेब्लिश किया गुजरात। तो गुजरात एक ऐसा, गुजरात जैसे एक स्टेट और है, यहाँ बंगाल है, जिसका कोस्टल भी है और लैंड बाउंड्री भी है, कोस्टल भी है और दूसरे कंट्री के साथ में लैंड बाउंड्री भी है। तो याद रखिएगा कि देश का पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट जो है वो गुजरात में स्टार्ट की गई है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, एट विच प्लेस इंडिया टू होस्ट ग्लोबल फूड रेगुलेशन समिट इन जुलाई 2023। तो भारत में किस स्थान पर वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो ये मेजबानी जो करने की बात, उसमें 4 शहर आपके दिए गए हैं, बट इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जो आपके देश की कैपिटल है, ठीक है, तो न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली की ये पिक लगा दी गई वहाँ पे पुराने लखनऊ की। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है, ग्लोबल फूड रेगुलेशन समिट, तो फूड से रिलेटेड है, तो ये आप याद रखिएगा, न्यू दिल्ली इंडिया और होस्ट कर रहा है। दूसरा ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो थर्ड क्वेश्चन है, इन विच एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो ये फिल्म फेस्टिवल्स जो है वहाँ से क्वेश्चन, स्पोर्ट्स क्वेश्चन ये आते ही रहते हैं। तो गोवा बेस्ट वेब सीरीज अवार्डेड इंट्रोड्यूस। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे देखना किस संस्करण, जब श्रृंखला की शुरुआत की गई है तो सर्वश्रेष्ठ वेब श्रृंखला की शुरुआत की गई है, क्योंकि इंडिया में मूवीज अभी तक थे, ड्रामा थे, थिएटर थे, लेकिन अभी जो ट्रेंड चल रहा हो, OTT प्लेटफॉर्म हो या फिर आपके वेब सीरीज हो, तो उसको भी अवार्ड मिलना स्टार्ट हो गए हैं। तो संस्करण की बात हो रही है, तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की बात हो रही है, उसका कौन सा जो संस्करण था वो आपका था 52। तो याद रखना 52, और उसमें अब ऐड ऑन कर दिया गया है वेब सीरीज को। तो हम फोर्थ क्वेश्चन में मूव करते हैं और देखते हैं, लिखा है निम्न अक्षांश, यानी मैं इंग्लिश में भी इसको रीड कर दूंगा, निम्न अक्षांश यानी अधिक वर्षा और उच्च अक्षांश यानी कम वर्षा, इसके तत्व के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तो निम्न अक्षांश मतलब डाउन की ओर। तो पहले तो हमें ये समझ लेना है, ये हमें समझ लेना है कि ये हमारा आपका अर्थ है और ये आपका क्या है, ये आपका 0 डिग्री है, जो अर्थ को इक्वली डिवाइड करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में। और जो सनरेज स्टेट आते हैं वो आपके आते हैं 23rd and half नॉर्थ, और इसी तरीके से 23rd and half साउथ डिग्री में रहता है ये, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी अपने एक्सिस पे क्या टिल्ड है, 23rd and half। तो इस तरीके से, तो क्या कारण है वर्षा कम और ज़्यादा का, तो समुद्र से दूरी बिल्कुल नहीं होगा, जल धाराओं का कोई मतलब नहीं है, ऊंचाई से भी कोई ले देना नहीं है, वाष्पीकरण, और वाष्पीकरण का सीधा मतलब होता है टेम्परेचर से। तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, वेपराइजेशन ज़्यादा होगा, बारिश ज़्यादा होगी, और टेम्परेचर वहीं ज़्यादा होगा जहाँ पर सन रेज क्या होगी, डायरेक्ट आएगी। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे दोनों पोल 6 महीने दिन और 6 महीने रात, तो एक पोल पे आपको अंटार्कटिका मिलेगा, सदर्न पोल पे, नॉर्दर्न पोल पे जाएंगे तो आपको आर्कटिक सी मिलेगा, आर्कटिक ओशन मिलेगा, जो पूरी तरीके से क्या रहता है, फ्रीज रहता है। तो ये आपका ज्योग्राफी का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जिसको आप डिटेल में पढ़ने के बाद ही क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको कोशिश की कि आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, ये आपका बौद्ध धर्म से क्वेश्चन लिया गया है। तो जैन और बौद्ध मैंने कई बार कहा है कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द NDA एंड डिफेंस एग्जाम्स, ठीक है। व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन इज दैट त्रिपिटक इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग।
बहुत आसान है, तो क्या हो जाएगा, बौद्धिस्ट बौद्धों से, तो त्रिपिटक मतलब तीन जो पिटक है इनके, विनय पिटक है, सुत्त पिटक है, तो इस तरीके से आपको समझना है, पूरा ज्ञान बहुत आपको तैयार कर लेना है। तो आपने देखा कि किस तरीके से मैंने करंट अफेयर्स और जीके जीएस के क्वेश्चन मैंने कितने कम समय में करा दिया। तो इस तरीके की वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ आप बने रहिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं सेम टाइम पे और नए क्वेश्चन के साथ में। जय हिंद।